यू नो एक छपरा से लोग जैसे गांव से आते हैं ना, आई स्टार्टेड रिएक्टिंग, ओ माय गॉड. एंड आई टेल यू, तुम जब माँ बनोगी तब तुम समझोगी. अब मेरे साथ कोई और भी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज बनता है. आई कांट फीड माई चाइल्ड, ये एक मुझे फोबिया था, लेकिन वो कभी नहीं डिमांड करती है कि मुझे आपके साथ सोना. शी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. एक लंबे समय बाद नेहा से मुलाकात हो रही है और एक नए शुरुआत के साथ ये मुलाकात हो रही है. नेहा, जो मैंने सुना है कि आपने कमबैक कर लिया है, सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. और आज बताइए क्या हो रहा है खास. पहली बात तो मैं बोलूँगी कि कमबैक वाज नेवर, जाने वाला टाइम कोई था ही नहीं, बिकॉज नाउडेज हम प्रेगनेंसी को इतना स्पोर्टिंगली लेते हैं, लाइक वी फ्लॉन्ट आर प्रेगनेंसी एंड वी आर सो हैप्पी, ये हम बताते हैं. तो आई डोंट थिंक दैट आई वाज एवर अवे फ्रॉम इट. आई वाज डूइंग एड्स और ये सारी चीज़ें तो चली रही थी वाइल प्रेगनेंसी वाज ऑन, और अभी भी चली रही है. सो इट वाज नॉट अ कमबैक, इट्स अ कमबैक टू बॉम्बे, क्योंकि पहली बार मैं अनाया को छोड़कर बॉम्बे दो दिन के लिए आई हूँ. सो आई एम रियली इन अ वेरी डिफ़िकल्ट यू नो इमोशंस, बिकॉज पहली बार बच्चे को, जब से वो मेरे हाथ में आई है तब से मैंने उसको आज तक छोड़ा नहीं है. सो इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव कम विदाउट हर. सो आई फील वेरी अपसेट, वेरी कंसर्न्ड. बस ठीक रहे वो, दैट्स इन माई माइंड. एंड येस, कम बैक टू वर्क अगेन, क्योंकि जो टी वी और वेब और मेरी दुनिया से जो मैं दूर थी अभी एक साल के लिए ऑलमोस्ट, सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू कम बैक अगेन. हियर आई हैव कम फॉर सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स. इंशाल्लाह भगवान करे कि कुछ अच्छा मैं न्यूज़ दे सकूँ आपको, क्योंकि इस बार आई हैव जस्ट कम फॉर अ कपल ऑफ मीटिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड आज जो हम कर रहे हैं वो कुछ कॉन्टेंट शूट कर रहे हैं, जो कि मेरा फ़र्ज बनता है कि मेरे फैंस के लिए मैं सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. सो आई हैव कम टू बॉम्बे. जब मैं आई थी तो मैंने सोचा कुछ अलग हटके कर लेते हैं. सो टुडे आई एम डूइंग सम ऑफ द कंटेंट शूट्स हियर. ओके, तो ये डिसीजन 2 डेज के लिए बॉम्बे आना, फर्स्ट टाइम बेबी को छोड़कर, बहुत मुश्किल रहा होगा. आई कैन फील इट टोटली. मतलब मैं जाते वक्त एयरपोर्ट पे, यू नो व्हाइल आई वाज गोइंग इनसाइड, तब भी मैं सोच रही थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं. अच्छा. बट ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड माय फैमिली सपोर्ट, माय मदर इन लॉ सपोर्ट, दे ऑल सपोर्टेड कि इसी वक्त तुम जा सकती हो. वेरी पर्सनल, बट आई हैव एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग दैट आई कुड स्टोर फॉर हर, एंड जिससे उसको कोई तरह की परेशानी ना हो. बट अभी वो वाला फेज़ नहीं है उसका, जो शी इज़ गोना मिस मी और शी विल नीड मी. शी हैज़ हेल्प, शी हैज़ नानी, शी हैज़ दादी, शी हैज़ एवरीबडी देयर. सो उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है. और जो उसे मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए तो मैं गाय हुई, उसके लिए आई हैव स्टोर्ड इनफ फॉर हर, सो दैट 2 डेज शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन. सो ये 2 दिन आई हैव जस्ट कम आउट एंड आई एम रियली रियली फीलिंग, आई डोंट नो, वो तो मुझे मिस नहीं कर रही होगी लेकिन मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ. एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी कि अभी उसका फेज नहीं मिस करने वाला, बिकॉज शी इज जस्ट 4, नो आई गेस. या शी 4 एंड हाफ मंथ. हां, 4 एंड हाफ मंथ. तो आफ्टर 6 एंड 8, आई एम श्योर 8 और लाइक 1 साल होता है तो बच्चे स्टार्ट मिसिंग और कि नहीं दिखाई दे रहा है. बट इट्स योर टर्न नाउ कि पहले आपको मिस करना है. मुझे लगता है आज का ट्रेंड है बच्चे माँ बाप को मिस करते हैं कि नहीं, स्पेशली माँ को मिस करते हैं. माँ का तो फर्ज है, आई थिंक ऑल लाइफ टाइम वी गोइंग टू मिस द किड्स. या कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं. अब मैं वो सारे इमोशंस फील कर सकती हूँ एंड आई स्टार्टेड सीइंग द फ्यूचर ऑफ हाउ शी इज़ गोइंग टू बी. इसलिए मैं आई वांट टू गिव अ काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग जहाँ शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है, उसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई सेल्फ. मतलब अपना जो एक अस्तित्व है उसे मैं कभी नहीं भूलना चाहती. मी माई सेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. शी इज़ मी ओनली, वो मेरा ही एक अंश है, लेकिन उस अंश को भी अकेले जीना सीखना आना चाहिए. सो आई वॉन्ट टू इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सो आई एम देयर फॉर हर, बट मे बी आई एम नॉट देयर फॉर हर फिजिकली ऑल द टाइम. सो दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू ग्रो माई चाइल्ड. तो कितनी बार वीडियो कॉल हुआ, कितनी बार कॉल्स हुए जस्ट टू सी हर. आई नो दैट शी इज सिक्योर, बट स्टिल यू नो मन नहीं मानता. पता है कितनी फैसिलिटी मिल गई है ना हमें आजकल, कैमराज एंड एवरीथिंग. सो कैमरा इज इंस्टॉल्ड इन हर रूम. सो जब मन करे मैं उसे देख सकती हूँ, जूम कर सकती हूँ, कैसा चेहरा बना रही है, एवरीथिंग आई कैन सी. बट आई एम ट्राइंग हार्ड दैट आई शुड नॉट कीप डूइंग दैट एज अ मेनियक पर्सन, यू नो लाइक अ पोजेस्ड मदर, यू नो 24 घंटे आप अपने बच्चे को देख रहे हो. मैं उनमें से नहीं हूँ. मतलब आई वॉन्ट टू लेट हर लिव एंड आई वॉन्ट टू लिव माई सेल्फ टू. मुझे पता है मैं देखना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई नो
दैट हियर आई एम एट वर्क, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ऑल्सो, उसका अपडेट मेरी तीसरी आँख उस पर हमेशा होगी, लेकिन दो आँखें खुद पर ज़रूर होंगी. सो दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू टेक लाइफ अहेड. और इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस उसको छोड़कर आने का. सो इट्स जितना मैंने सोचा था, एक बार बॉम्बे की खुशबू ऐसी है ना कि एक बार लैंड होने के बाद ना यू नो यू स्टार्ट living that different kind of life. And as I landed, I felt so happy. The smell of the place, the kitni sari cheeze while driving I was feeling that, oh my god, ye bhi ho gaya. You know, ek chhapra se log jaise gaon se aate hain, I started reacting, oh my god, ye ceiling ban gaya, oh my god, ye metro chal raha hai, oh my god. Ek to you suddenly come from Patna. Patna is a beautiful city, but of course you can't compare in terms of progress with Bombay. So suddenly ye sari cheeze dekh ke meri friend mere saath hai, and she's like, you know, you behave like सम गाँव से आई हो तुम, क्या कर रही हो. आई एम लाइक, दिस इज हाउ आई एम रिएक्टिंग एंड दिस इज मी. बट आई फेल सो हैप्पी ड्राइविंग टूडे मॉर्निंग, ड्राइविंग एंड लुकिंग अराउंड एंड बींग विद अ फ्रेंड, बींग अगेन फीलिंग दैट इंडिपेंडेंट पावर इन मी. यू नो, जब आप अपने खुद के घर से जॉइंट फैमिली से, जब वे यू फील सो प्रोटेक्टेड यू अराउंड देयर, और सडनली वहाँ से निकल के एक अगेन सोलो इंडिपेंडेंट वुमन ड्राइविंग द कार गिव्स यू सो मच ऑफ पावर. आई कांट टेल यू, दैट्स हाउ आई फेल्ट इन द मॉर्निंग टूडे. Nice. अच्छा, जब आप प्रेग्नेंट थी तो हमने बात करी थी, पूरे स्वेटर वेटर पहन के आप बैठी हुई थी, आई रिमेम्बर. यहाँ बट उस टाइम की लाइफ की चेंजेस हम बात कर रहे थे. अभी 4.5 मंथ हो गए. नाउ टेल मी, व्हाट आर द चेंजेस यू आर फेसिंग? Changes I'm facing as in, obviously there is constraint of work, right? Because I have to be and that's my duty. और वो मैं वहाँ पे थी तो life तो 360 degree change हो ही गई थी. सिर्फ मैं थी. अब मेरे साथ कोई और भी है जिसकी responsibility है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका हंसना खेलना सब कुछ मेरे पे depend है. So there's a sense of great responsibility. As I told you, काम मेरी ज़िंदगी है और काम मुझसे थोड़ा दूर हो गया था, the kind of work that I do. So वो एक बड़ा चेंज था लाइफ में. एंड मदरहुड इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट चेंज. सडनली यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मदर एंड स्टार्ट फीलिंग एंड बींग थैंकफुल एंड सॉरी टू योर मदर सडनली. सो आई थिंक वो एक बड़ा चेंज था जो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था. सो एज आई टोल्ड यू, आई वॉज विद माई फ्रेंड एंड अब जब भी कोई बातें होती है, शी इज़ लाइक, डोंट थिंक अबाउट अ नाया, concentrated work right now. And I tell you, tum jab maa banogi tab tum samjhogi. So I don't know how to explain an unmarried girl jo maa nahi hai ki main kaise samjhaun use ki jo main feel kar rahi hu, jo main soch rahi hu. Suddenly you know, unconsciously she is in my mind ki kitna doodh piya hoga, to calling up the nanny, calling up my mummy and asking and checking about her. So that's not an effort, that's come so naturally in you. So I think these are the changes, but the changes are beautiful. I'm not रनिंग अवे. ये कुछ महीने हैं, कुछ साल है जो मुझे डेडिकेटेडली उसको देने हैं, जो उसका ज़रूरत है, जो उसकी ज़रूरत और हक है. सो वो मैं दूंगी ही. बट एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, देते देते मैं अपने आप को खोऊंगी नहीं. आई विल बी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई एम गोइंग टू बी फॉर हर ऑल्सो. दैट्स हाउ आई प्लान टू डिज़ाइन माई लाइफ. बट लोग कहते हैं ना कि भगवान हमेशा औकात दिखा देता है और कहता है ये तुमने प्लान किया था, सो सी दिस इज व्हाट इज़ फॉर यू. सो या आई नेवर थॉट दैट आई विल गेट मैरिड इन पटना. आई लैंडेड अप इन पटना. आई नेवर थॉट, यू नो, बींग अ मदर वॉज never in my mind. ऐसा लगता है, समझ कन्विंस ही नहीं हो पाती थी कि मैं माँ बन सकती हूँ. मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग हो गया था when I started feeding her. Lactating was a big phobia in my mind. मुझे लगता था कि मुझे कभी I will not have milk, I can't feed my child. ये एक मुझे फोबिया था. तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, वो वॉज सच अ सरप्राइज इन माई लाइफ दैट, यू नो, ये भी कर सकती हूँ मैं, ये भी हो सकता है मेरी लाइफ में. सो गॉड ऑलवेज टेल्स मी, व्हाट यू प्लान इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू डू समथिंग व्हिच इज प्लान्ड फॉर यू एंड आई हैव प्लान समथिंग फॉर यू. सो दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग विद मी. सो हाउ इज मम्मा पापा लाइक, बोथ कैसे केयर करते हैं? रात को जागना, बेबी तो कभी भी उठ जाती है. ओह माय गॉड, यू केयर अबाउट हर बट शी इज लाइक बिंदास नाउ, यू नो. वेल, मैं लोगों को ज़्यादा कहती नहीं हूँ, बट आज सिंस आई हैव टू बी ट्रूथफुल टू माई पीपल हु आई एम टॉकिंग टुडे एंड गिव देम द इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा नहीं अनाया के बारे में नहीं कुछ कहती हूँ, और कहती हूँ कि बहुत रोती है. बट एक्चुअली अनाया इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव चाइल्ड. वो नहीं रोती है, वो रात को नहीं जगाती है, वो मेरे साथ नहीं सोती है. सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अ प्रॉब्लम विद दिस एंड दे टेल मी, ये तुम बहुत गलत कर रही हो कि बच्चे को अपने साथ, इतनी छोटे बच्चे को तुम्हारी फील की ज़रूरत है. आई बिलीव एवरी मदरहुड इज़ डिफरेंट, एवरी पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट,
एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, कुछ सही गलत नहीं होता है. तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ नहीं सुलाती, इसीलिए नहीं कि मैं आराम से सोना चाहती हूँ, इसीलिए कि जब मैं उसके साथ ना हूँ तो उसे ऐसा फील ना हो दैट आई एम अलोन टुडे. शी बीन ऑलवेज इंडिपेंडेंट. उसके साथ उसकी नानी उसके रूम में अलग सोती है, बट शी स्लीप्स इन हर ओन कॉट अलोन फ्रॉम द टाइम शी वॉज 1.5 months. सो आई वॉन्ट टू ग्रो माई चाइल्ड लाइक दैट, दैट कल को अगर मम्मा नहीं है, काम पे है या लाइफ में नहीं है या दुनिया में नहीं है, तो उसे माँ को मिस करे लेकिन माँ की ज़रूरत की वजह से रोए नहीं. सो दैट्स हाउ आई कीप हर एंड आई डोंट थिंक एंड आई एज अ ट्रबलसम चाइल्ड एट ऑल एंड टच वुड गॉड इज़ बीन वेरी काइंड. बच्चा मेरा बहुत कोऑपरेटिव है एंड she doesn't trouble the mother and father at all. जब हमारा मन करता है हम उसे बीच में ले आके सुला देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं डिमांड करती है कि मुझे आपके साथ सोना. she's absolutely wonderful. And how she looks like, you know, जब एक बेबी आता है तो it's a very common thing. It's not that कि नाक मेरे जैसे दिख रही है, आँख उनके पापा के जैसा, मम्मा के जैसा. सो दिस कन्वर्सेशन आई एम श्योर स्टार्ट तो हो चुका होगा. ऑफकोर्स यार, वी आर इंडियंस. सबसे पहले पैदा होते किसकी तरह दिखती है. आई मीन हाउ फनी इज दैट, मम्मी पापा की तरह ही दिखेगी ना. कुछ ना कुछ तो मिक्स अपना ही होगा, अपने ही घर का, दादा दादी नाना नानी. सो सिंपल बट वेरी हार्ड टू से फील गुड कि मेरी जैसी दिखती है, इसकी नाक मेरी जैसी दिखती है. तो ये बहुत इग्नोर होता था कि क्रेडिट मिल रहा है मुझे. आई नो बट दिस फील सो सैड टू से कि जो भी उसे दिखता है सब कहते कि आयुष्मान जैसी दिखती है. 9 महीने का एफर्ट मैं करूं, वैसे मैंने किया एफर्ट सिर्फ 7.5 महीने का. शी वाज अ प्रीमैच्योर बेबी, बट एवरीबॉडी सो फार सेज दैट शी लुक्स लाइक आयुष्मान. सो वैसे भी बेटियां बाप से ज्यादा क्लोज होती हैं. हाँ बट ठीक है, थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी आ जाता तो लगता ना कि कुछ हमने काम किया है 7 महीने के लिए. बट या इवन आई एम वेरी हैप्पी दैट आयुष्मान इज़ अ वेरी क्यूट लुकिंग बॉय. सो इफ द गर्ल इज़ लाइक आयुष्मान सो शी विल लुक क्यूट. बट एनी लाइक यू नो समटाइम वी फील कि हमारा बेबी आ गई है तो हमारे पर से ध्यान हट गया है. वो 9 मंथ तो बड़ा ध्यान होता है, ये खाओ वो खाओ. बट हैव यू एवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ थिंग? अरे नहीं, मैं तो पूरे ऑलमोस्ट 7.5 months आई वॉज विथ माई मदर. आई वॉज इन कैलकटा बिकॉज मेडिकल in Bihar there have been experiences, not that I say that medical medicines and doctors and things are not good there, but hamara experience kuch acha nahi raha. So we've been dependent in Calcutta. Okay. So most of the time in my pregnancy I was in Calcutta. To Ayushman to free the, matlab unko to meri koi demand ya I was not at all a demanding you know pregnant woman at all ki mujhe ye khana ye chahiye wo chahiye. So I was very relaxed and he was very relaxed ki use tantrums jhelne nahi pade and I was not with him. I think I was approximately for 2 months with him. Okay. So bas usme to theek hi tha wo. Nothing. अभी भी ठीक ही. Trouble या अभी भी ठीक ही है. So yeah. So what is next? I want something next to be really coming up good with me. I am yeah definitely for TV and web. There are things which are going on. So I'm hoping that something good comes up my way and I can go ahead with it. Many collabs and everything, ads. Ads are continuously I'm doing. I've been doing with First Cry, Figaro Baby, and all the baby products right now. So with Anaya coming in my life, तब से हमारा यही चल रहा है कि हम baby products को बहुत endorse कर रहे हैं. But yes, that's a you know flicker in life. But my main life is TV and web. So I'm hoping कि वो बहुत जल्दी कुछ I'm going to crack something nice and come my way. Lastly, थोड़ा भी stress है कि मैं वेट गेन कर लिया है और मुझे कैसे रिड्यूस करना है काइंड ऑफ? देखो स्ट्रेस नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट आई हैव पुट ऑन वेट. आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट व्हिच आई हैव रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट, बट आई विल स्टिल रिड्यूस. नॉट दैट यू नो ज़रूरत है मुझे हमेशा. आई लाइक माई सेल्फ लाइक रियली लाइट एंड थिन. सो दैट्स माई लाइक ऑल्सो. नो मैटर आई एम प्लेइंग अ दादी माँ, आई एम प्लेइंग अ मदर एंड आई एम प्लेइंग अ कॉलेज गर्ल, बट आई लाइक माई सेल्फ थिनर एंड फिटर. सो आई विल गेट बैक टू दैट. उसमें कोई दुराहा नहीं है, देयर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट. एक चीज़ मुझे ध्यान है जो आपने बोला कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माँ बनूंगी, है ना? तो कभी दिमाग में ये भी था स्ट्रेच मार्क्स वाला डर? स्ट्रेच मार्क्स वाला डर नहीं था. लोग फ्लॉन्ट करते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स को एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट, लेकिन वो कभी नहीं डिमांड करती है कि मुझे आपके साथ सोना. शी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है एंड आई एम गोइंग टू वेयर एज माई टैन टॉप्स एंड क्रॉप टॉप्स विथ लो वेस्ट जीन्स विच आई लाइक वेयरिंग. सो बहुत जल्दी थोड़ा बहुत पेट है अभी, वो अंदर चला जाए, उसके बाद आई स्टार्ट वेयरिंग द सेम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर मी बैक अगेन. वेल थैंक यू सो मच नेहा. जाते जाते अपने फैंस के लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज हो जाए, बिकॉज
Yeah, I've been really really happy with the kind of support आप जो मुझे social media पे देते हैं and I think the same love will continue. I'm going to be back soon where you want to see me. आप मुझे जहाँ देखना चाहते हैं मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ and yeah keep smiling, loving and take care of yourself.